अंतिम किसानों के लिए क्या आप बताना चाहेंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दुविधा में है, टेंशन है, पहले ओलावृष्टि से उनको मार झेलनी पड़ी, काफी नुकसान हुआ, उनसे क्या कुछ उसका इंश्योरेंस रहेगा, और दूसरा अब फसल पककर तैयार है, सबसे ज्यादा टेंशन में वो है, क्योंकि अगर खेतों में वह जाते हैं मंडी में फसल लेके आते हैं तो उनको मजदूर भी नहीं मिलेगा, तो उस पर ध्यान देते हुए मजदूरों को कहाँ से लाया जाएगा? इसमें दो चीज़ें हैं, जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर्ड हैं उनकी तो हमने क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं, जिस जिस गांव में खराबा या यील्ड में कमी पाई जाएगी उन सबको उसके मुआवजा मिलेगा। जो किसान फसल बीमा योजना में कवर्ड नहीं है उनके लिए हमने हर एक सब डिवीज़न में SDM की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, वो कमेटी आगे नीचे पटवारियों से रिपोर्ट लेकर के और जो खराबा हुआ है उसकी पुष्टि करके रिपोर्ट भेजेगी और उनको उसी अनुपात में मुआवजा सरकार देगी। जहाँ तक किसानों के और मज़दूरों की बात आती है तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कुछ मज़दूरों के पलायन करने की वजह से लेबर की शॉर्टेज है, बट हम कोशिश करवा रहे हैं, जो हमारे यहाँ प्रवासी मज़दूर रुके हुए हैं करीब 800 के करीब, हमने उनसे भी सलाह की है और उनसे भी सहमति मांगी है, अगर वो खेत में या हमारे प्रोक्योरमेंट सीज़न के दौरान मंडियों में काम करना चाहेंगे तो उनको अच्छे रेट प्रोवाइड करके हम उनसे भी काम लेंगे। और चूंकि अब कटाई का सीज़न कनक का 15 से 20 तक तारीख तक होने का अनुमान है तो प्रोक्योरमेंट भी 20 तारीख से शुरू जैसे होगी तो हमारी उसके लिए पूरी तैयारी है। हमारे जितने भी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो FED हो, फूड एंड सप्लाईज़ हो, HWC हो, उन सब की तैयारियां मैं रेगुलरली मॉनिटर कर रहा हूं और निश्चित समय पर तैयारी उनकी परचेज शुरू होगी और किसान का एक एक दाना हम खरीदेंगे।